हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर 8th 10th क्लास एपी सीरीज एक्सरसाइज 5.4। एस तो पहला वाली वीडियोस एक्सरसाइज 5.3 तक कर चुके हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज है जी, ओनली 5 क्वेश्चंस करांगे टुडे टॉपिक्स के विच, ओनली 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल एक्सरसाइज से। फर्स्ट तो स्टार्ट कर दें, एपीज आप फुल कर चुके हैं, फॉर्मूलेज आपको नॉलेज ही है, SN जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं, TN a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, SN n बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दो फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में भी हम यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एपी गिवन है टी एन थीटा। क्वेश्चन है एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि टी एन थीटा जो है वो नेगेटिव आ जाए। फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीरीज टी एन थीटा नेगेटिव आ जाए, एन फाइंड आउट करना है। ए इज 1:1, डी इज -4। आप देख रहे हो d की वैल्यू -4 है, तो वैल्यू माइनस माइनस होते होते आगे जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये जीरो को क्रॉस कर जाएगी। तो किस नंबर के ऊपर, किस टर्म पे जीरो को क्रॉस करेगी वो फाइंड आउट करना है। तो टी एन था टर्म इज फॉर्मूला क्या बोला उन्होंने, नेगेटिव टर्म मीन्स लेस देन जीरो। फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो, ए इज 1:1, एन फाइंड आउट करना है, डी इज -4 इज लेस देन जीरो। अब क्या है, आप माइनस वाली टर्म को इस तरफ ले जाओ, आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगी। ब्रैकेट ओपन करने हैं, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, -4n + 4 125 4n। मैं माइनस वाली को इस तरफ ले गया, प्लस कर दिया, 4 से डिवाइड 4 डिवाइड, सॉल्व कर लो 3 1.25। तो n जो है वो 31.25 से बड़ा होना चाहिए। हमको पता है n क्या होता है, इंटीजर, फुल वैल्यू होगी, कोई 31.25 तो होगा नहीं, तो इंटीजर होगा, फुल वैल्यू होगी, इसलिए n कितना होना चाहिए आपका, इससे आगे 31.25 से आगे 32। आप सोचोगे 33 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, जब हम n की वैल्यू बोल रहे हैं अभी 31 से लार्ज है, 31.25 से, तो n 40 भी हो सकता है। पर उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसलिए जो इसके बिल्कुल इमीडिएट बड़ी होगी, इमीडिएट इसके साथ होगी, तो 31.25 से आगे 32। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था, बट nth टर्म जो थी वो लेस देन जीरो थी, उस हिसाब से हमने क्वेश्चन को कैलकुलेट किया। सेकेंड करते हैं जी, सेकेंड क्वेश्चन, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एपी सिक्स, देयर प्रोडक्ट थर्ड मल्टीप्लाई विद सेवंथ इज 8th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। ये है आपका क्वेश्चन, मैंने लिख दिया बिल्कुल, आपको दो कंडीशंस दी गई हैं, दो दी गई हैं आपको कंडीशंस, और दो एक वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म कैसे लिखोगे आप, पहले इसको लिख रहा हूं मैं, ए प्लस 2d सेवंथ 6d 2a प्लस, ये 2a आ गया, प्लस 8d 6, ए प्लस 4d इज 3। एक कंडीशन आ गई जी आपके पास, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन ले लेते हैं, ए प्लस 2d मल्टीप्लाई विद ए प्लस 7d 6d इज व्हाट 8। यहां से a की वैल्यू निकालो आप, 3 - 4d इसमें भर देते हैं, इजी हो जाएगा क्वेश्चन अपना। a की वैल्यू a माइनस
3 माइनस फोर डी प्लस टू डी, 3 माइनस फोर डी प्लस सिक्स डी। अकॉर्डिंग टू मी सिंपल होगा क्वेश्चन जी, 3 माइनस टू डी, 3 प्लस टू डी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर मैंने कर दिया जी, 2 का स्क्वायर 4 डी का डी स्क्वायर। इसको इस तरफ ले जाओ, 8 को इस तरफ ले आओ, 81 माइनस 8 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 4 डी स्क्वायर। 8 इस तरफ आ गया जी, 4 डी उस तरफ चला गया, 1/4 इज डी स्क्वायर। डी की वैल्यू कितनी आ गई जी, प्लस माइनस 1/2। स्क्वायर हटा के रूट करेंगे, 4 का 2 प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, आपके पास डी की दो वैल्यूज आ गई। आप इसमें भरोगे और ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर हम यहाँ पे चलेंगे। पहले ए फाइंड आउट करते हैं, दो वैल्यूज आ गई, एक 1/2 और एक माइनस 1/2। ये हो गया जी, सिंपल क्वेश्चन था, कंडीशन लगाई थी, फर्स्ट कंडीशन सॉल्व की, सेकंड कंडीशन की, फर्स्ट से ए की वैल्यू निकाल के भर दी, डी की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। एक बार आप डी ले लीजिए 1/2, एक बार डी लोगे आप माइनस 1/2। ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2, ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2। 3 माइनस माइनस प्लस 2 5, ए इज 1। अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई जी, इसको अलग अलग सॉल्व करोगे आप, ए 16 एस 16 लेके आओगे आप। क्वेश्चन सिंपल था, बस लेंथ ही है। एस 16 का फॉर्मूला एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। 8 टू 15/2 8, एलसीएम मैंने करवाया आपको 2, 4 प्लस 15। एलसीएम वाली वीडियो देखनी है आप ऊपर क्लिक कर सकते हो, लिंक आ रहा है, आप एलसीएम वाली वीडियो देख सकते हो। 8 वैसे ही 2 एलसीएम, 4 प्लस 15 4, 4 इंटू 19 68, 4 इंटू 90 78 76। इस तरफ आ जाते हैं जी, एस 16 16/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 16 माइनस 1 कर दिया इंटू डी। 8 10 माइनस 15/2 एलसीएम ले लेंगे, 20 माइनस 15/2 2 टू कैंसिल 4, 4 इंटू 5 20 इज आंसर। ये दो आंसर आ गए आपके पास में। ऐसी 16 की वैल्यू 20 भी हो सकती है, 16 की वैल्यू 76 भी हो सकती है, ए और डी की वैल्यू, ए और डी की वैल्यू, ऐसे आपका क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन करेंगे जी, थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझिए। मान लो आपको एक बॉक्स बनाना है, तो इसके ऊपर और नीचे दो दीवारें चाहिए आपको, दो चाहिए। मान लो आपने दो इसके दो पार्टीशंस करने हैं, यानी दो बॉक्स बनाने हैं आपको, तो आपको कितनी चाहिए, 1, 2, 3। अगर तीन बनाने हैं, 1, 2, 3, तो आपको कितनी दीवारें चाहिए, मतलब ये इसको रंग्स बोलते हैं अपना, जो लैडर पढ़ेंगे क्वेश्चन में, तो आपको कितनी चाहिए, 4। समझ आया कुछ क्वेश्चन? अगर एक बनाना था तो दो चाहिए, दो बनाना तीन, तीन बनाना है तो 4। मीन्स अगर एन बनाना है तो आपको क्या चाहिए जी, एन प्लस
वन, ये आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन में क्या है, एक लैडर दी गई है हमको, लैडर दी गई है, इसकी टोटल जो लेंथ है वो दिया 2.5 मीटर, 5/2 मीटर, तो सेंटीमीटर में बनाएंगे कितना बन जाएगा जी, 250 सेंटीमीटर, टोटल 250 सेंटीमीटर। एक से दूसरे में कितना गैप है इसमें, 25, जो ये हम लैडर जिसके ऊपर पैर रख के चढ़ते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम, रंग्स बोल रहे हैं, रंग्स बोल रहे हैं। तो रंग्स के बीच में डिस्टेंस कितने, 25 सेंटीमीटर, तो टोटल कितने आएंगे यहां पे, ये वाले रंग्स कितने लगेंगे हमने, 250 अपॉन 25, टोटल गैप कितना है 250 का, टोटल गैप 250 है, दो में डिस्टेंस कितना है 25, तो डिवाइड करके आ गया। अब हमने देखा भी जो एक एक्स्ट्रा आपको क्यों लगाना पड़ेगा, या तो ये ऊपर वाला गिन लीजिए आप या नीचे वाला, मैंने पहले करके दिखाया आपको एग्जांपल के लिए। तो नंबर ऑफ रंग्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू 250 ओवर 25 प्लस 1, मींस 10 प्लस 1 इज 11, मींस एन इज इक्वल टू 11। ये देखिए आप, आपको समझ आना चाहिए, क्वेश्चन ये था पहले मैंने समझाया, अभी मैंने वन क्यों एक्स्ट्रा लगाया। कभी भी आपने एक सीढ़ी बनानी है तो उसमें जो बीच में गैप्स बनेंगे एक एक्स्ट्रा लगाने पड़ेगा, या नीचे या ऊपर के लिए, ये मैंने दिखाया। अगर एक बनाना है तो दो लगाने पड़ेंगे आपको, बॉक्स तभी बनेगा, दो बनाना है तो तीन लगाने पड़ेंगे, तीन बनाना तो चार, यानी एक ज़्यादा, तो एक ज़्यादा का फार्मूला मैंने लगाया। आप एग्ज़ाम में, ये तो समझाने के लिए था, आप एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट लिख सकते हो नंबर ऑफ रंग्स बराबर 250 ओवर 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, एन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, अभी और पढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब बताया ये सबसे टॉप वाली जो है लेंथ, ये है 25 सेंटीमीटर की, इसमें गैप भी 25 है और ये टॉप वाली भी 25 ही है। लास्ट की कितनी बोली गई है, ये लास्ट वाली कितनी बोली गई है, 45 सेंटीमीटर की। अब ये जो बीच में जो रंग्स डाले हुए हैं, जो डंडे डाले हुए हैं, रंग्स डाले हुए हैं, उनका सम पता करना है, टोटल कितने हैं ये 11, टोटल कितने हैं 11। फॉर्मूला क्या हुआ आपका, n बाय टू ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए फर्स्ट टर्म। कुछ और पता करना है तो बीच में कर सकते हो आप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ही पता करनी है, सम पता करना है, यानी 11/2 70 35 385, आंसर आ गया जी, लेंथ है सेंटीमीटर में। दो स्टेप ही थे इसमें, फर्स्ट स्टेप था वी टोटल डिस्टेंस 250 है, एक में गैप 25 है, तो डिवाइड करके 10 बचा, बॉक्स बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा, एन की वैल्यू आ गई, स्टार्टिंग वाला 25 था, लास्ट वाला 45 था। आप इसको उल्ट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 45 और 25 ले लोगे तो भी कोई, मैंने यहाँ से गिना 1 2 3 4, आप यहाँ से गिनोगे तो भी ए प्लस एल है, एल प्लस ए हो जाएगा, 45 प्लस 24 हो जाएगा, बात सेम ही रहेगी, तो आपका आंसर सेम आएगा। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी एक स्टेप है, उन्होंने बोला 1 से 49 तक हाउसेज है आपके पास, हाउसेज है, नंबर लिखे हुए हैं उनके ऊपर, आप एक बार 49 ना लेके कम ले लीजिए, मान लो 1 से लेके 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7, सपोज ये फोर्थ नंबर है, सपोज इसका नेम दे लिया एक्स टर्म। अब इससे प्रसीडिंग का सम, इससे प्रसीडिंग वैल्यू, वैल्यूज का सम कितना आएगा जी, एस थ्री, या इसको कैसे लिखोगे, एक्स माइनस वन,
सिंपल सी बात है, अगर x फोर्थ है तो x माइनस वन। इसे नेक्स्ट का सम लिखना है आपने, नेक्स्ट का सम लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप? टोटल सम में से कौन सा घटाओगे? टोटल सम वन से लेके सेवन तक, उसमें से पहले चार का, चार लिख लो बेशक आप, पहले चार का काम कर दोगे तो यही बचेगा ना आपके पास। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, वन से लेके 49 तक उन्होंने बोला है, बीच में कोई भी नंबर बोल दिया, एक्स ले लीजिए आप। एक्स से पहले वाला प्रोसीडिंग कितना आएगा जी? एक्स माइनस वन का सम इज इक्वल टू इससे आगे, इससे फॉलोइंग का सम, इससे आगे का सम, यहां से लेके यहां तक का सम, तो आप कैसे निकालोगे? टोटल का सम माइनस, ये छोड़ दो, टोटल का सम माइनस एस एक्स, ये आपने कम कर दिया। यहां पे भी यही था, एस सेवन माइनस एस एक्स था ना, तो ये सेवन था, सेवन अभी 49 है हमारे क्वेश्चन में, तो हमने 49 लिख लिया। ये क्वेश्चन है, आपने एक्स की वैल्यू पता करनी है, क्वेश्चन ये है, ये समझ आना चाहिए। अगर समझ आ गया क्वेश्चन तो सिंपल हम कर ही लेंगे। क्वेश्चन ये है, अभी अगर डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं तो मैंने आपको, आप मेरी लास्ट वीडियो, जब मैंने फर्स्ट वीडियो जो थी सम ऑफ नेचुरल नंबर वाली, चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में बैक जा करके, सम ऑफ नेचुरल नंबर निकाला था मैंने, नेचुरल नंबर क्या थे, 1, 2, 3, 4 अप टू n, फॉर्मूला बताया था आपको, n n प्लस 1 बाई 2 फॉर्मूला बताया था। अभी इसमें n की जगह पे क्या भर दो आप? x माइनस वन, n की जगह पे 49, n की जगह पे x, कैलकुलेट कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी भी लगा सकते हो, पर क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 1 से लेके 49 तक है, यानी नेचुरल नंबर है, मींस नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का ये फार्मूला है, क्यों ना यूज़ करें जब हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट टर्म में n की, n के प्लेस पे क्या फिलअप करेंगे? x माइनस वन, यानी इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, x माइनस वन, x माइनस वन प्लस वन बाय टू हो गया जी। 49 के टाइम पे 49 प्लस वन बाय टू माइनस एक्स, एन की जगह पे एक्स, एक्स एक्स प्लस वन बाई टू हो गया जी। ये फॉर्मूला था, मैंने भर दिया। आप तीनों का निकालोगे अलग से, ए की वैल्यू वन, डी की वैल्यू वन, एन की वैल्यू एक्स माइनस वन, एन की वैल्यू एक्स, निकाल सकते हो, लेंथ ही पड़ेगा। नेचुरल नंबर का फार्मूला पता है, हमने वैल्यू में भर दिया, सेम आएगी वैल्यू, जैसे मर्जी कर लो। 2, 2, 2 तो वैसे ही कैंसिल होगा, तीनों में है, क्या बचा जी? x माइनस वन, एक्स वन वन कैंसिल, 49 इंटू 50 माइनस एक्स एक्स प्लस वन, मल्टीप्लाई कर दो जी, एक्स एक्स विल कैंसिल, ये भी x माइनस का, ये भी इस तरफ ले आओ, प्लस हो जाएगा, अब क्या निकालना है? स्केयर रूट। मैंने स्केयर रूट पे इजी ट्रिक्स के नाम से अपनी वीडियोस बनाई हैं, जिनको आता ठीक है, अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस करोगे बड़ा इजी रहेगा। मैं फिर से मेथड बता रहा हूं, डिटेल देखनी होगी, आप मेरी वीडियोस के अंदर जा सकते हो, इजी ट्रिक्स वाली वीडियो। आपने क्या देखना है, पीछे लास्ट में 5 है तो 5 ही आएगा, जो इसका स्केयर रूट होगा उसमें 5 आएगा। अब दो पेयर छोड़ दो, इसको पेयर को छोड़ दो, अब 12 देख लो, 12 कितने का स्केयर से आगे है, तो 9 के स्केयर से ये आगे है, सॉरी 3 के स्केयर से आगे, 3 का स्केयर 9, 3 का स्केयर कितना होता है 9, 4 का स्केयर कितना होता है 16, तो ये 3 के स्केयर से आगे है, तो 3 लिख दिया, तो x क्या हो गया जी 35, जिससे आगे होता है वही लिखना है, तो ये आ गई अपनी x की वैल्यू, उन्होंने पूछी थी हमने निकाल दी, ठीक है जी।
ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ करेंगे जी, लास्ट क्वेश्चन आज का। फिफ्थ क्वेश्चन, फिर से ये लैडर बना रहे हैं घर में, जो अपने घर में बनी होती है, सीढ़ियां बनी होती हैं, उसकी जो फर्स्ट सीढ़ी होती है जब जिस पे आप पैर रख के चाहते हो, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। डायग्राम बिल्कुल क्लियर है बुक में। पहला नंबर तो वो उसकी लेंथ कितनी बताई है इन्होंने, 50 मीटर। 50 मीटर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखी है, चलो जो भी लिखा है 50 मीटर। अब इसकी हाइट कितनी बताई है, 1.4 मीटर दिखा रखा है एरो में बिल्कुल। फिर यहाँ से ऐसे बनती है लैडर, ये कितनी बताई है अपने को, 1.2 मीटर। फिर ऐसे ऊपर करेंगे, कितना बताया जी, 1.4। फिर ऐसे जाएगी, 1.2। फिर ऊपर ऐसी बनती है ना सीढ़ी। टोटल कितने बनाने हैं स्टेप्स, 15 स्टेप। एन कितना बोला इन्होंने, 15। अब ये बोलते हैं जो फर्स्ट स्टेप आप बनाओगे, फर्स्ट स्टेप, उस फर्स्ट स्टेप में कितना मटेरियल लगेगा। मटेरियल मींस वॉल्यूम, क्योंकि ये क्या बन गया, एक क्यूबाइड बन गया जिसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास में, लेंथ 1.4 नहीं है, 1/4, सॉरी 1/4, 1/4, 1/2, 1/2 बाय 1/4, 1/2 इंटू 50, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कर दी मैंने, सिंपल वॉल्यूम क्या आ गया जी, कैंसिल करके 25/4 आ गया अपने पास मीटर क्यूब, फर्स्ट सीडी का, यानी फर्स्ट टर्म ए आ गया। अब सेकंड का निकालेंगे, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कैसे निकलेगी जी, 50 तो 50 रहेगा, जो लेंथ है, जो एक स्टेप है जिस पे हमने जाना है, वो तो 50 रखा है इन्होंने, 50 रखा है। ये घर का नहीं है, जो फुटबॉल खेलते हैं उसके लिए बनाया है, तो ये 50 मीटर लंबा रखा गया है, तो 50 रहेगा, जहाँ पे 50 रखा है वो तो। अब जी मतलब जो लेंथ है वो तो एक 50 रही, हाइट बढ़ गई, पहले कितनी थी 1/4, अब 1/4 क्या होगी, और प्लस होगी, यानी 1/4 इंटू, क्योंकि 1/4 1/4 होगी ना, 2, तो क्या बन गई, 1/2। ये स्टेप है, ये तो 1/2 ही है, कितना हो गया जी, 50/4 यानी 25/2। सेकंड टर्म आ गई, डी निकालोगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एलसीएम ले लो, डी भी निकला है, बस फिर क्या रह गया, सम फाइंड आउट करना है। आपके पास डी भी आ गया, आपके पास ए भी आ गया, आपके पास एन भी है, सम का फार्मूला लगाइए आप, ए पड़ा, डी कितना है, 25/4, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जी, 15, सम का फार्मूला एन बाय टू, 2 इंटू ए एन माइनस 1 कर दूं 14 इंटू डी, 15/2 इंटू 16 इंटू 25/4, ये दोनों में से कॉमन निकाल दिया, 14+2 16 बन गया, कैंसिल कर दो जी, 4 कैंसिल करके 2, 50 × 15, 750 मीटर क्यूब टोटल मटेरियल लगेगा, या टोटल हमने वॉल्यूम बनाना। ये आपकी थी ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4 के 5 क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू मी मैंने बेस बना करके आपको क्लियर क्लैरिफिकेशन या हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी है। अच्छा लगा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, 10th के और भी यूनिट आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।